सजदा तेरा कर ना सकूं तो बंदगी क्या बंदगी, क्या रंग लाया दिल का लगाना, गूंजे हवा में बिछड़े दिला दिया दुहाइयां वे बड़ी लंबी। हेलो एवरीवन, अब मैं सबसे पहले अपने स्किन केयर रूटीन करूँगी जो कि है टोनर। यह है गुड वाइब्स का टोनर, बहुत ही अच्छा टोनर है। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इससे स्किन हाइड्रेट होती है, इसको एयर ड्राई होने देंगे। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे गुड वाइब्स का सीरम। सीरम से हमारी स्किन एकदम ग्लोइंग हो जाती है, चेहरे पर अगर दाग धब्बे तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आप टोनर के बाद सीरम लगाएं और इसको अच्छी तरह से अपने फेस पर मसाज करें। हाँ, इसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे ऑरेंज जेल, जो मैं आपको बता रही थी कि ये मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये ऑरेंज जैसा लगता है, एकदम ट्रांसपेरेंट सा और बहुत अच्छा जेल है। इससे आपके पोर्स ब्लर आउट हो जाएंगे, जिसके बाद आप फाउंडेशन लगाएंगे तो वो स्मूथली ग्लाइड हो जाता है। ये देखो मैम, स्किन एकदम ग्लोइंग हो जाती है, तो मैं आपको बता रही थी। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे प्राइमर। ये है पर्पल का प्राइमर, वन ऑफ द बेस्ट प्राइमर है। अगर आप कोई प्राइमर लेना का सोच रहे हो तो ये प्राइमर ज़रूर लीजिए। इससे आपकी स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है, इससे पोर्स एकदम ब्लर आउट हो जाते हैं। आपका फाउंडेशन बहुत ही अच्छा लगेगा, केकी नहीं लगेगा। आपको अच्छी तरह से लगा लेना आइज़ के ऊपर, नेक पे भी लगाना। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे फाउंडेशन, जो कि है मेरा मेबलिन का फाउंडेशन। पहले डॉट डॉट करके मैं पूरे अपने फेस पे लगा लूँगी, अंडर आईज़ पे, आईज़ के ऊपर, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई कंसीलर नहीं लगा रही, तो मैं अपना फाउंडेशन से ही पूरा मेकअप करूँगी। और ये मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में निचोड़ कर ले लिया है और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। और ये मैंने मेकअप रेवोल्यूशन के आई शेडो पैलेट लिए है, इसमें ब्लैक कलर लेके मैं अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। मेरे आईब्रो ज़्यादा हल्के नहीं है, तो ज़्यादा मुझे डार्क करने की ज़रूरत नहीं, हल्का सा मैं फिलअप कर रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे ऑरेंज सा शेड और अपने क्रीज पे लगा रही हूँ। इसको अच्छी तरह से आपको ब्लेंड करना है। अब इससे थोड़ा सा डार्क कलर लूँगी मैं, ये ज़्यादा डार्क भी नहीं है और ज़्यादा लाइट भी नहीं है। और इसको आउटर वी पे मैं इसको लगा के अपनी इनर कॉर्नर तक लेके आऊँगी। इनर कॉर्नर में लाइट होगा, आउटर वी में डार्क होगा। आपको वी शेप में करना है, आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे लूँगी ये शिमरी सा शेड है, तो बस उसको लेके जस्ट अपनी लीड पे प्रेस करूँगी। अगर आप कहीं छोटे मोटे फंक्शन में जा रहे हैं, शादी वादी में जा रहे हैं, तो भी आप इसको कर सकते हैं। ये उस टाइप का ही मेकअप है, क्योंकि हम शिमर कर रहे हैं ना अपने आईज़ पे, इसीलिए। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये लाइनर, मैं यहाँ पे विंग ड्रॉ कर रही हूँ। मुझे अच्छी तरह से अभी तक लाइनर लगाना नहीं आता, मैं ट्राई कर रही हूँ, जो मैंने कर लिया है। अब मैं अपना ले रही हूँ काजल, लैक्मे का काजल है, ये बहुत ही अच्छा कलर है, मेरा फेवरेट काजल है, इसको मैं लगा रही हूँ। अब मैंने वापस अपने पैलेट लेके ये जो ऑरेंज जैसा शेड जो पहले लिया था, वो छोटा सा ब्रश लेके अपने इसके नीचे भी लगा रही हूँ, लोअर लैशेस के नीचे भी अपने इसको स्मज कर रही हूँ। मैं ले रही हूँ यहाँ पे मस्कारा, जो कि है किसका है, मेबलिन का मस्कारा है ये। अब मैं अपने फेस की करूँगी कॉन्टोरिंग, जो कि मेरे पास कॉन्टोर पैलेट नहीं है, तो मैं इसी से अपना कॉन्टोर करूँगी। इसमें से जो मैंने डार्क कलर होता है ना, वो लेके अपनी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। चिक बोन्स होते हैं ना, उसके नीचे आपको लाइन ड्रॉ करनी है और एक जॉ लाइन पे। इससे क्या होता है, इससे आपका फेस स्लिम लगता है, पतला लगता है।
इसको अच्छी तरह से समर्ज करना है। ऐसा नहीं कि आपकी लाइन से लाइन्स दिख रही है और ऐसे नहीं करना, आपको पहले लाइंस बनानी, फिर इसको अच्छी तरह से ब्रश, या आप हाथ से भी कर सकते हैं अगर आपको ब्रश से सही नहीं लग रहा, तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। मैं लूँगी अपना ब्रश जो कि है लाइक मी का 9 to 5। इसका मुझे शेड याद नहीं है, हल्का हल्का सा लगाऊंगी। ब्लश लगाना तो बहुत ही ज़रूरी है, थोड़ा सा आपको पिंकी पिंकी से आपके चिक्स हो जाते हैं। अब मैं लूँगी अपने फेस को करूँगी हाईलाइट, ये है ग्लैम 21 का हाईलाइट है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, चंकी पार्टिकल्स है इसमें थोड़े बहुत, बट क्या करें, चलेगा। आपको हाईलाइट कहाँ पे लगाना, चिक बोन्स पे, क्यूपिड बो, फॉरहेड, नोज पे, चिन पे, और छोटा सा ब्रश लेके आपको इनर कॉर्नर पे अपनी हाईलाइट करनी है। ये होते हाइलाइटर पॉइंट्स। अच्छी तरह से आपको लगा लेना है और आपके आईब्रो के नीचे। मैं लूँगी यहाँ पे लिपस्टिक, ये NYBAE की लिपस्टिक, इसका शेड मैं आपको लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। एकदम डार्क मजेंटा कलर का इसका शेड है, पिंक सा। और ये रहा मेरा फाइनल लुक, आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।